स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथल पर। सी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फिगर बनानी पड़ेगी, जिसमें एक एंगल 90 बनाना पड़ेगा, एक थीटा बनाना पड़ेगा। थीटा और 90 को जो ज्वाइन करता है वो बेस होता है। जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, जो थीटा के सामने साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, मतलब वन ओवर साइन। साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसिकेंट हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। सिकेंट थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सिकेंट हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। कॉट होता है टैन का उल्टा, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब सीकेंट थीटा दिया हुआ है आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा निकालने। सीकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12, मींस आपने इसको इक्वल रख देना हाइपोटेन्यूस ओवर बेस के। अब हाइपोटेन्यूस आ गया 13, मींस ये चीज़ आ गई आपकी 13। बेस आ गया 12, मींस ये चीज़ आ गई 12। पाइथागोरस थ्योरम से जो परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर का पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 माइनस 144 आपके पास आ गया 25। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 25, क्योंकि जो 25 है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर आ गया 5। परपेंडिकुलर कितना आ गया 5। अब ईजी है, बस ये फॉर्मूलाज में सब्सटीट्यूट करना है। फर्स्टली वी फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, इसके ट्रिक याद करने की दैट आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, मीन्स 5/13। फिर आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, वैसे तो इससे भी कर सकते हो, उल्टा होता है सिकेंड का कॉस, 12/13 आ जाएगा, या बेस ओवर हाइपोटेनियस करोगे तो भी 12/13 आ जाएगा। तो साइन थीटा भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मींस 5/12। ये ध्यान देना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। परपेंडिकुलर जो थीटा के सामने वाली साइड है या 90 डिग्री एंगल बना रही है वो थीटा वाला एंगल नहीं बना रही, वो परपेंडिकुलर है। जो 90 के सामने हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है, जो थीटा और 90 का बना रही है वो बेस है। तो लाइक दिस टेन थीटा के 5/12। अब कोसिकेंट थीटा, यहाँ देखो या तो साइन को अपोजिट कर दो, क्योंकि कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, या हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर कर लो। हाइपोटेनस कितना है 13 है और परपेंडिकुलर कितना है 5 है, कोसिकेंट थीटा आ जाएगा 13/5। उसके बाद सीकेंट थीटा तो दिया हुआ है तो आपने नहीं फाइंड करना। कॉट थीटा 10 को उल्टा कर दो 12/5 आ जाएगा, या बेस ओवर परपेंडिकुलर करते हैं तो भी 12/5 आता। तो ये 6 में से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने निकाल लिए, जब 6 आपको दिया हुआ है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप इस फॉर्मूला से कर सकते हो। थैंक यू।